गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आज है नवमी और मैं पूजा वूजा करने के बाद मैं पंडाल घूमने निकल गई थी। आप लोग देख सकते हो, ज़्यादा नहीं, 2-3 पंडाल घूमी थी और उसके बाद मैं चली गई थी घर। तो जो भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाई हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को फुल देखा करिए, और नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना सुंदर बना हुआ है ना, ये वाला पंडाल बहुत 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 ही सुंदर बना हुआ था। एंड दुर्गा माँ का भी बहुत ही अच्छा स्वरूप था, बहुत ही अच्छा था। ये फर्स्ट टाइम मैं मतलब कि फर्स्ट पंडाल यही देखने गई थी और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये वाला पंडाल। एंड ये फिर बाद में दूसरा पंडाल में आ गई थी, ये भी बहुत ही सुंदर बना हुआ था। तो चलिए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ और माँ का दर्शन करवाती हूँ। और यहाँ पे फ्रांसी बैलून लेने के लिए बोल रही है, दिल वाला बैलून चाहिए उसको। कितना सुंदर दुर्गा माँ है। प्रणाम कर लो बेटा, प्रणाम करो। तो हम लोगों ने 4 पंडाल घूमी एंड उसके बाद फिर वापस मैं घर आ गई थी, क्योंकि फास्टिंग भी था। नवमी के दिन प्रसाद वगैरह ही सिर्फ खाने होते हैं, जो कन्या पूजन में की थी वही प्रसाद वगैरह खाई थी। तो मैं सोची फिर कल आऊँगी, तो उसके बाद घर मैं चली आई थी। एंड नेक्स्ट डे दशमी के दिन 3-4:30 बजे हम लोग फिर वापस से चले गए थे दशहरा पूजा देखने के लिए। तो तब का व्यू है। और आज तो अच्छे से खाना पीना भी करूँगी बाहर में, क्योंकि 9 दिन का फास्ट के बाद तो गोलगप्पे वगैरह डोसा वगैरह खाने का प्लान बना हुआ है मेरा। तो चलिए चलते हैं। शेर पे सवार रहती है ना बेटा, इसीलिए शेर वाली। उसके बाद हम लोगों ने गोलगप्पा खाया। एंड मेला का गोलगप्पा कैसा होता है आप लोगों को पता ही होगा। एंड उसके बाद श्रेयांशी को मिनी बैंक चाहिए था, तो यहाँ से वो एक मिनी बैंक भी ली है। और यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन थे, तो बहुत ही सुंदर सुंदर और अलग अलग डिज़ाइन का था। तो एक पिछले बार यहीं से वो ली थी लेकिन वो फूट गया था, तो इस बार नया मिनी बैंक ली है। एंड यहाँ पर फिर उसको चप्पल सैंडल चाहिए था, तो यहाँ पर उसके लिए एक सैंडल ले रही हूँ। एंड उसके बाद हम लोग चले गए थे डोसा खाने के लिए। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए हैं लंका दहन देखने के लिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा, कैसे कैसे करके वहाँ तक मैं पहुँची थी देख सकते हो वीडियो में कितना ज़्यादा भीड़ है। क्योंकि 2-3 साल के बाद ये सब मेला वगैरह अच्छे से हो पा रहा है ना, तो इसीलिए ज़्यादा भीड़ लगी है इस बार इस मेले में, दशहरे पूजे में। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग गाड़ी लेके जा रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और वो थे भीड़ के कारण, बहुत टाइम लग गया हम लोग को वहाँ तक पहुँचने में। तो वीडियो में बने रहिए।
एंड यहाँ पे देखिए वापस आने में ये नज़ारा दिखा, इतना सारा लोग थे ना कि पैदल गाड़ी तो मेरा दूर में लगा हुआ था, तो कम से कम यहाँ से निकलने में 10 मिनट से ऊपर लग गए थे। जाना बहुत ही मतलब कि पास में ही था लेकिन फिर भी 10 मिनट लग गए। एंड उसके बाद गाड़ी लेके जब निकली तो वहाँ पे आधा घंटा ट्रैफिक में बैठे रहना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था। तो उसके बाद इतने सारे ये लोग थे ना लंका दहन देखने के बाद, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड यहाँ पे प्रसाद वितरण भी हो रहा था, भोग मिल रहे थे, तो इसी कारण बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी और निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। एंड उसके बाद हम लोग दूसरे पंडाल में आ गए थे, ये भी बहुत सुंदर पंडाल बना हुआ था, बहुत सुंदर दुर्गा माँ यहाँ बनी हुई थी। इधर का तो मौसम ऐसे अच्छा है, रांची का मौसम तो बिल्कुल ही मतलब कि वैसा नहीं है, लेकिन घूमने में मज़ा भी आ रहा था और हरासमेंट भी थोड़ा हो रहा था। एंड यहाँ पे फिर हम लोग ने खाया आइसक्रीम और ये दोनों आइसक्रीम मुझे खाने पड़े। श्रेयांसी रोने लग गई, वो बोली मुझे डंडी वाला आइसक्रीम चाहिए, तो वो नहीं खाई। एंड दोनों आइसक्रीम बाद में मुझे ही खाना पड़ गया था। एंड उसके बाद दूसरे पंडाल में आ गई थी, यहाँ पे बच्चों के लिए झूला वगैरह लगे हुए थे एंड डांस प्रोग्राम भी यहाँ पे हो रहा था, बच्चे लोग डांस वगैरह भी कर रहे थे। यहाँ पे खेल कूद के लिए बच्चों लोग के लिए अच्छा व्यवस्था किया गया था, तो यहाँ पे श्रांसी भी बैठ के झूला झूलने लग गई। और उसके बाद मैं तब तक अपना पंडाल देखने चली गई, दुर्गा माँ को देखने चली गई, वहाँ पर बच्चे लोग डांस कर रहे थे, थोड़ा सा मैंने उसका भी वीडियो बना लिया, वो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी, तो कंटिन्यू बने रहिए मेरे वीडियो में।
के बाद हम लोग घर आ गए थे। घूमते घूमते थक गई थी तो ये लास्ट पंडाल था, तो इसके बाद घर आ गई थी। तो इतना ही था आज के लिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।